अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं उम्मे उमैज़ा और मैं दुआ करती हूं कि आप सब भी ठीक ठाक हों और खुशबाश हों जहां भी हों। तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए रेसिपी, कुछ नमकीन कुछ साल्टी सा। अक्सर हम जब कुछ मूवी देख रहे होते हैं या कोई सीरियल्स देख रहे होते हैं या थोड़े वैसे फारिग बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कोई लाइट सी चीज़, कोई हल्की फुल्की सी जिसको हम कंटिन्यूस खाते जाएँ। तो मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए एक नमकीन दाल की, मूंग दाल जिसको हम फ्राई करेंगे और ये घर में नीमको जैसी मूंग दाल क्रिस्पी सी बन जाएगी। चलें जी आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया था, भिगो के रख दिया था रात को। इसको अच्छे से सुबह उठ के मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको अब हमने ड्राई करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो इसका होता है वो इसकी ड्राई करने का होता है। हम पंखा चला के किसी साफ़ कपड़े पे इसको फैला देंगे और तब तक हम इसको नेक्स्ट फ्राई नहीं करेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। सबसे मेन स्टेप इसमें ये है, आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है। आपने इसको कपड़ा लेके उस पर फैला देना है। अगर आपको फील हो कि वो कपड़ा भी थोड़ा सा गीला हो गया है तो आपने कपड़ा चेंज कर देना है, कि वो दाल को कपड़ा हटा के और कपड़े पे उसको फैला देना है ताकि दाल अच्छे से ड्राई हो सके। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये पंखा चला दिया है मैंने, थोड़ी देर वेट करेंगे कि दाल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जी दाल हमारी ड्राई हो चुकी है। इसको हाथ लगा के हम चेक कर लेंगे, अगर हमारे हाथों में पानी नहीं आ रहा, हमें नमी फील नहीं हो रही तो हम इसको अब फ्राई करेंगे। तो चलें जी आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने अब इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें अब नमी नहीं है, बिल्कुल रेडी टू फ्राई है। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करने के लिए जो है वो ऑयल गरम करेंगे। हमारा ऑयल काफ़ी गरम होना चाहिए। हम 2-3 दाने पहले डाल के चेक कर लेंगे, अगर वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएँ और ब्राउन होना शुरू हो जाएँ तो इट्स मीन कि ऑयल जो है वो परफेक्ट है। अब 1 चम्मच जितना हमें ऐसा स्ट्रेनर भी चाहिए, उसमें हम दाल को डालेंगे और इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे। अगर हम डायरेक्ट दाल देंगे वो भी फ्राई तो हो जाएगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आपको दोबारा उसको किसी स्ट्रेनर में डाल के छानना होता है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह से झाग आएगी पहले ऊपर और जैसे जैसे झाग कम होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारी दाल फ्राई हो रही है। आपने इसको चेक कर लेना है। ये 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। आप इस तरह की आवाज़ आएगी, जब आपको आवाज़ आना शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि आपकी दाल रेडी है। चलें जी हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। उसको हम थोड़ा सा अब सॉल्टी बना लेते हैं। आप चाहें तो सिर्फ इसमें नमक ऐड करें, ये तब भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने इसमें साथ में थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना जो है वो चाट मसाला भी ऐड किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाट मसाला स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर दें। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया। चलें जी इंजॉय कीजिएगा ये रेसिपी, बनाइएगा घर में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।